हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज हाउस में। और आशा करता हूं आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आप हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं सौरभ पांडे आपका स्वागत करता हूं क्लास 7th की एनसीईआरटी में दोस्तों, जिसमें आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी दोस्तों हमने पूरी कवर कर ली है, अब क्लास 7th हम शुरू करने जा रहे हैं आज से। देखिए दोस्तों, क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ने में हमारी अप्रोच थोड़ी और बदलेगी और अब हम थोड़ा और धीरे चलेंगे। हम रेगुलर रहेंगे, हर दिन एक चैप्टर करेंगे, लेकिन हमारी अप्रोच थोड़ी धीरे इसलिए रहेगी क्योंकि देखिए अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अभी तक हम बेसिक्स पढ़ रहे थे, अब जो चीज़ें हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमें बहुत आराम से बहुत चीज़ों को समझ के फिर चलना है। देखिए, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स पहला चैप्टर है दोस्तों। इसमें हम जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, क्यों चेंजेस आ रहे थे और कैसे उन्हें बदला गया। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैप वन जो है इसमें दो मैप है। ठीक है दोस्तों, पहला मैप जो बनाया गया है वो अरब ज्योग्राफिकर अल इदरीसी ने बनाया है। ठीक है, अब पहला मैप आप देखेंगे तो ये थोड़ा उल्टा सा बना है। क्यों? जो साउथ होना चाहिए वो नॉर्थ है और जो नॉर्थ होना चाहिए वो साउथ है। ठीक है, अब ये बना था 1154 में, ठीक है, कॉमन एरा में। दूसरा मैप जो है दोस्तों वो आप देखेंगे फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है। ठीक है दोस्तों, फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है, उसने मैप को एकदम अलग तरीके से बनाया है। अल इदरीसी के मैप में आप देखेंगे जो साउथ इंडिया है वो क्या बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में है, और जो नॉर्थ इंडिया है वो साउथ इंडिया में है। जैसे कि श्रीलंका को साउथ में होना चाहिए तो श्रीलंका नीचे है और नॉर्थ हमारा इस तरफ है। तो अब देखिए, दूसरे मैप में आप जब देखेंगे तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। जो अभी करेंट इंडिया का मैप है ये काफ़ी ज़्यादा उससे मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, जो फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया है उसने अलग तरीके से बनाया है। तो देखिए, यहाँ हमें ये समझ में आएगा कि जो भी चीज़ें हमें लिखी मिलती हैं, जो भी चीज़ें हमें इंस्क्रिप्शन या चीज़ें मिलती हैं, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं किसने लिखी है, किस भाषा में लिखी है। ठीक है, इसी के बारे में हम और डीप में जानेंगे। देखिए, मैप टू में आपको कन्नौज के बारे में देखने मिलेगा जो उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज का एक बहुत फेमस लीडर है जो किंग थे, हमने उनके बारे में 6th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, अभी हम आगे भी उनके बारे में पढ़ेंगे। अब मैप टू के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि मैप टू जो था वो 600 साल के बाद बना। ठीक है, और उसमें सब कॉन्टिनेंट काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था। ठीक है, ये मैप हमें क्यों ज़्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मैप अभी करेंट इंडिया के मैप से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो यूरोपियंस ने इसे बनाया, जो यूरोपियंस ने जिस तरह इन्हें देखा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हमें क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए दोस्तों, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में मैंने जो आपको बताया कि जो जैसे रीड करता है, जो जैसे देखता है, वो उसी तरह प्रेजेंट करता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर दो राइटर एक ही कोर्ट के बारे में लिखें और अलग अलग तरीके से लिखें तो हमें अलग अलग कंटेक्स्ट मिलेगा। अब सोचिए दोस्तों, एक ही मूवी को सेम स्टोरी होती है लेकिन उसमें डायरेक्टर अगर दूसरा हो जाता है, स्क्रिप्ट राइटर दूसरा हो जाता है, तो स्टोरी का भी अंतर हो जाता है। तो यही इस चैप्टर में समझाने की कोशिश है कि देखिए, जो न्यू और ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उन्हें इस्तेमाल करके काफ़ी ज़्यादा अंतर आता है। जैसे देखिए, इसमें हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान की जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। हिंदुस्तान में दोस्तों आज जो करंट कंटेक्स्ट में है वो है इंडिया। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज का इंडिया अगर कोई बोलता है तो आपके दिमाग में एक मैप आता है जो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और इधर गांधीनगर से लेके पूरा अरुणाचल तक। ठीक है दोस्तों, लेकिन पहले के ज़माने में क्या था, मिन्हाज ए सिराज एक क्रॉनिकल में अक्रॉनिकल थे, उन्होंने पर्शियन में लिखा कि पंजाब हरियाणा और जो भी ज़मीनें थीं गंगा और यमुना के बीच में, इसे वो हिंदुस्तान समझते थे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद जो सल्तनत थी वो कहाँ तक हिंदुस्तान समझते थे, जहाँ तक क्या बोलते हैं उनका पूरा ये कवरेज था। ठीक है, 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया था जो सब कॉन्टिनेंट में फ्लोरा और फौना है। ठीक है, और इसी की तरह आमिर खुसरो ने वर्ड हिंद यूज़ किया, ठीक है, 14th सेंचुरी में। अब देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंडिया एज ए एंटिटी टू एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन जो टर्म हिंदुस्तान है वो पॉलिटिकल नेशनल मीनिंग नहीं रखता था जिस तरह आज है। ठीक है, तो ये हम चीज़ें समझेंगे। अब दूसरा टर्म है दोस्तों फॉरेनर। पहले के ज़माने में दोस्तों फॉरेनर मतलब, आज के ज़माने में फॉरेनर का मतलब क्या है, जो इंडिया का नहीं है, जो बाहर का है। लेकिन पहले अगर एक गांव से दूसरे गांव भी अगर व्यक्ति जाता था तो उस गांव के लिए वो व्यक्ति
फॉरेनर हो जाता था। तो यही ये समझाना चाहते हैं कि कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट का मतलब है जो कि टाइम के साथ बदल रहा है, ठीक है। अब देखिए, गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में हमने पढ़ा है पिछले क्लास की एनसीईआरटी में। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो ये सारे सोर्सेज हैं, ठीक है, जो आर्किटेक्चर हैं, जो कॉइन्स हैं, हमें वहीं से जानने को मिलता है। हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि अशोका ने कौन सी लड़ाई जीती, हमें उन हमें बाकी चीज़ों को समुद्रगुप्त के कौशाम्बी के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि उन वो कैसे राजा थे, वो वीणा लेके थे बैठते हैं, वो उनकी कॉइन से देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमें हिस्ट्री के जो कंटेक्स्ट हैं, उस टाइम के जो सोर्सेज हैं, उन्हें देख के पता चलता है, ठीक है दोस्तों। अब यही है, यही चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन दे रही हैं, ठीक है। लेकिन जो पेपर की वैल्यू थी वो धीरे धीरे कम हो गई। पेपर की वैल्यू जब कम हुई तो लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पेपर में लिखनी शुरू करी। आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो यहाँ पे पेपर में लिखनी सारी चीज़ें शुरू करी हैं। तो जब मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि पेपर में हाथ से लिखते थे सारे राजा, जब वो उन्हें लिख के समेट के रखते थे, लाइब्रेरीज़ में रखते थे, अपने पास आर्काइव में रखते थे, तो ऑब्वियसली वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बताती हैं कि हिस्ट्री कैसे चल रही थी, हिस्ट्री में आखिर हो क्या रहा था, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ये सारे सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे दोस्तों, ठीक है, और स्क्राइब ही होते थे जो लोग कॉपी करके लिखा करते थे, ठीक है दोस्तों। अब जैसे आप यहाँ पे एक देखेंगे फोटो, एक व्यक्ति जो दूसरी किताब से उस किताब में लिख रहा है। अब लेकिन इसका एक और नुकसान भी कह सकते हैं, या इसका एक परिणाम भी ये कह सकते हैं कि जैसे दोस्तों आप सबको पता होगा, अगर आप किसी की कॉपी से अपनी कॉपी में कुछ लिख रहे होते हैं तो जहाँ पे आपको राइटिंग नहीं समझ में आती, वहाँ पे आप अपने आप से गेस करके वहाँ पे चीज़ लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। सेम यही चीज़ होती है हर जगह, वहाँ पे भी ऐसा ही होता था, कभी एक वर्ड नहीं समझ में आया तो उस वर्ड की जगह कुछ और लिखा, कभी पूरा सेंटेंस ही नहीं समझ में आया तो कुछ और लिखा। तो दोस्तों हमें ये रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन एज अ स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक वर्ड का कितना ज़्यादा महत्व है। वो क्यों है दोस्तों? क्योंकि देखिए, आप अगर किंग है या क्वीन है, उसकी जगह कुछ और लिख दिया गया, तो आने वाली जनरेशन जो उसे पढ़ेगी वो इसी तरह समझेगी कि पहले के टाइम में ऐसा होता था। तो इसलिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण होता था, इसलिए मैन्यूस्क्रिप्ट जो कॉपी की जाती थी वो काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी लेके आई, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे 14th century में एक ज़ियाउद्दीन बरानी, उन्होंने दो क्रॉनिकल लिखी, एक थी 1356 की, एक लिखी 2 साल बाद। लेकिन दोस्तों पहली क्रॉनिकल तो लोगों ने पढ़ा, दूसरी क्रॉनिकल नहीं पढ़ी। उस चक्कर में हुआ क्या दोस्तों, कि जब तक दूसरी क्रॉनिकल नहीं पढ़ी गई थी, लोगों ने एक ही क्रॉनिकल के बारे में जाना और समझा, और उसी को एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मानते हुए उसी को समझते गए। लेकिन दोस्तों विद टाइम उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो सही चीज़ है ही नहीं, दूसरी क्रॉनिकल में काफ़ी चीज़ें अलग भी थी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट था। अब देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल ग्रुप या सोशल ग्रुप जो बन रहे थे, ठीक है, अब वो कैसे था, क्या हो रहा था, ये हिस्टोरियंस को काफ़ी ज़्यादा पता चला है एक टाइम के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लिया। जैसे पर्शियन व्हील आई दोस्तों, ठीक है, और स्पिनिंग व्हील आई, ये सारी, ये कॉर्न चिलीज, ये सारे जो इनोवेशन हुए, जो टेक्नोलॉजीज़ आई, वो क्या बोलते हैं, कई सारे रीज़न की वजह से आई, और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक चेंज, पॉलिटिकल चेंज, सोशल चेंज या कल्चरल चेंज होने लगा था, ठीक है दोस्तों। ये हम आगे भी पढ़ेंगे। बेसिकली दोस्तों इस चैप्टर में वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद राजपूत के बारे में है। राजपूत का मतलब होता था राजपुत्र, राजा का जो पुत्र होता था, ठीक है, जो रूलर का बेटा होता था। तो राजपूत ये वर्ड वहीं से आया, और इन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा वेल्थ होती थी दोस्तों, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग लोग ये होते थे। ये क्षत्रिय कास्ट के खुद को स्टेटस इन्होंने क्षत्रिय कास्ट का दिया हुआ था। आपको पता है हमारे यहाँ वर्ण सिस्टम है, हमने पिछले से क्लास की एनसीईआरटी में ये चीज़ देखी है कि वर्ण सिस्टम डिवाइडेड है, क्षत्रियों का काम लोगों की रक्षा करना और वॉर लड़ना होता था, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए पर्शियन व्हील है, पर्शियन व्हील का इस्तेमाल इरीगेशन के लिए होता था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमें ये समझ में आएगा कि काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स डिवाइडेड थे, ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा फेमस ग्रुप्स थे वो देखिए मराठा थे साउथ में, सिख थे पंजाब रीजन में, जाट दिल्ली एनसीआर के रीजन में थे, अहोम्स थे, कायस्थ थे, तो आपको ये सारे लोग भी मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये हो क्या रहा था कि एग्रीकल्चर का एक पीरियड था, ठीक है दोस्तों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ की कोशिश हो रही थी, ठीक है,
क्यों? क्योंकि देखिए, जब पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी, लोग सेटल होना शुरू कर रहे थे, तो वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो रहे थे। एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व इसलिए हो रहे थे क्योंकि देखिए, लोग बढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन बढ़ी है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उन्हें फीड तो कराना ही है, उसके लिए फूड की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। फूड के लिए ही सारा वो क्लियरेंस हो रहा था फॉरेस्ट का, और उसकी जगह एग्रीकल्चर हो रहा था, ठीक है दोस्तों। लोग टैक्स देते थे और वो सारे काम करते थे। अब यहाँ पे सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो सोसाइटी थी वो जातियों में डिवाइड हो गई थी। आपने एक लाइन सुनी होगी दोस्तों, जो कभी नहीं जाती वो है जाति, ठीक है। तो जातियों के बारे में यही है कि सब कास्ट और कास्ट में डिवाइड हो रहे थे। कोई मोची था तो उसको मोची की कास्ट का बोला जाता था, तो ये कास्ट में भी डिवीजन हो रहा था दोस्तों, ठीक है। अब हर जाति का अपना एक रूल था, जाति पंचायत थी, जैसे आपको पता चलेगा, देखिए यहाँ जाति पंचायत की बात हुई है, जातियों का अपना एक रूल था। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों अपने में ही ये गवर्न करते थे, और हर गांव में अपने आप को इन्होंने बसा लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनके बारे में थोड़ा ये जानने को मिलता है। फिर देखिए प्रशस्ति, फिर से हम आपको प्रशस्ति के बारे में बताएंगे। पिछले चैप्टर में भी हमने प्रशस्ति के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, इस चैप्टर में भी हम प्रशस्ति के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, प्रशस्ति इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, हर प्रशस्ति में कुछ ना कुछ बड़ा अच्छा सा लिखवाते थे हर राजा, ठीक है, तो इसलिए प्रशस्ति इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रशस्ति, से हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं उस राजा के बारे में, जिस भी राजा के बारे में वो प्रशस्ति है। तो दिल्ली के जो सुल्तान थे गियासुद्दीन बलबन, ठीक है, इन्होंने अपने लिए प्रशस्ति लिखवाई, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पता अपना जो अम्पायर है उसके बारे में डिस्क्राइब किया, जो कि बंगाल से लेके गजनी तक था। गजनी दोस्तों, गजना अफगानिस्तान में है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम अगला ये जो पढ़ेंगे, लैंग्वेज ऑफ द रीजन क्या थी दोस्तों। देखिए ये यहाँ पे पोजीशन के बारे में थोड़ा हम चैप्टर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं। और 700 से 1750 तक क्या चेंजेस आए दोस्तों, हम इस बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और हम थोड़ा पढ़ेंगे अब रिलीजन के बारे में कि रिलीजन एग्जैक्टली क्या था। देखिए दोस्तों, एक सुपर पावर की जो पूजा करने लग रहे थे लोग, ठीक है, कनेक्ट कर रहे थे खुद को, बिलीव थी लोगों की, वो था रिलीजन, ठीक है। अब हम रिलीजन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम ये जान लें कि मुस्लिम्स में क्या था, ठीक है। तो रूलर्स जो थे वो इस्लाम को पैटर्न करते थे, ठीक है। इस्लाम जो था वो वैरायटी ऑफ वेज में, देर वर शिया मुस्लिम होते हैं जो बिलीव करते हैं प्रॉफिट के सन इन लॉ में, ठीक है, अली में, और उसको बोलते हैं कि यही लेजिटिमेट लीडर है मुस्लिम कम्युनिटी का। और सुन्नी मुस्लिम्स हैं जो बिलीव करते हैं कि अर्ली लीडर्स ऑफ खलीफा में, ठीक है, वो खलीफाज में बिलीव करते हैं दोस्तों, ठीक है। और डिफरेंट स्कूल्स भी होते हैं, हनाफी, शफई, हनाफी और शफई मेनली इन इंडिया में है, ठीक है दोस्तों। और ये टाइम के बारे में है कि टाइम कैसे बदला, हम कैसे डिवाइड किया हुआ है, हिंदू टाइम, मुस्लिम टाइम। देखिए हम जैसे मुगल पीरियड बुलाते हैं, उससे पहले का अलग पीरियड है, फिर ब्रिटिश राज हम बुलाते हैं, तो ये सारा एक टाइम में डिवाइड किया गया है, ठीक है दोस्तों, हिस्टोरियंस ने इसे डिवाइड किया है। इसके बाद इस चैप्टर में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आएगा, और हम रिलीजन के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब बस हमें ये देखना है कि देखिए इतने सारे सालों में, ठीक है, बहुत सारा चेंजेस आया है, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। हम पहले एंशियंट से मेडिवल से मॉडर्न हिस्ट्री में आ चुके हैं, और अब तो हम काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं। तो हिस्ट्री हमें यही बताती है दोस्तों, और ये पूरा जो चैप्टर है हम इसमें यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम अगले चैप्टर में कल, बाय दोस्तों।